सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नीट 2024 के अंदर वेटरनरी की काउंसलिंग करवाई थी, क्योंकि राउंड वन का ऑफिशियली रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, जिसके अंदर क्या कट ऑफ गई है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन सा कॉलेज आपको मिला है वो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब आपको आगे क्या करना है, कैसे आपको सीट अलॉटमेंट लेनी है, कैसे आपको प्रोसेसिंग करनी है, कैसे आपको एडमिशन कराना है, तो पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड आई एम करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्टी तेलंगाना। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर ऑल द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग काउंसलिंग इंक्लूडिंग एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस एंड वेटनरी। सो गाइज, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि नीट 2024 का राउंड वन का आपका वेटनरी का रिजल्ट आ चुका है और क्या कट ऑफ गई है, लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ थी और इस साल की क्या कट ऑफ है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ मुझे नेक्स्ट राउंड में मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, और अगर मुझे मिला है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कॉलेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू द नीट 2023 राउंड फॉर ऑफिशियल कट ऑफ, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि जो कट ऑफ है वो कितनी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक वाज 87,799 एंड मार्क्स वाज 522। फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक वाज 99,041 एंड मार्क्स वाज 510। फॉर ओबीसी कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक वाज 94,245 एंड मार्क्स वाज 515। फॉर एससी कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक वाज 2,08,525 एंड मार्क्स वाज 415। फॉर एसटी कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक वाज 2,46,461 एंड फॉर मार्क्स वाज 389। सो ये जो मैंने कट ऑफ बताई आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ है, जो इस साल की कट ऑफ है मैं आपको बता देता हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स को भी कॉलेज मिला है उनको क्या करना है, उनको आपके पास नोडल ऑफिसर का एक आपके पास जो स्टेट वाइज है वो आपको नंबर दिए हैं और उनके नाम दिए गए हैं, आप उन्हें कॉल करो और उनसे पूछो कि भाई आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रिगार्डिंग काउंसलिंग, जो एडमिशन प्रोसेस है वो कब हमें आना है कॉलेज में, वो सारी डिटेल्स आपको बता देंगे, बिकॉज हर स्टेट के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लाइक फॉर तेलंगाना आपको स्टडी सर्टिफिकेट चाहिए, आपको आपका वहाँ का वो सर्टिफिकेट चाहिए कि भाई इक्वलेंसी सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो सारी चीज़ आपको पहले से प्रिपेयर करनी है, इसीलिए आप उन नोडल ऑफिसर से बात कर लें, वो आपको पूरा एक्जैक्टली डिटेल में समझा देंगे कि आपको एक्जैक्टली क्या करना है, ठीक है, और आपको कब ज्वाइनिंग करनी है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग की जो डेट है वो आपकी 11th ऑफ सेप्टेम्बर से 17th ऑफ सेप्टेम्बर के बीच में, आप कभी भी वहाँ जाके अपना आपका रजिस्ट्रेशन और एडमिशन करवा सकते हैं। सो नाउ गाइज, आई एम गोइंग टू टेल यू द राउंड वन ऑफिशियल कट ऑफ फॉर बीसीआई। फॉर जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक इज 77,654 एंड मार्क्स इज 600। कॉलेज मिला है आपको एजोल, जो कि मिजोरम के अंदर है। फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक इज 84,849 एंड मार्क्स इज 593 एंड जो कॉलेज मिला वो आपका मिजोरम में मिला है। फॉर ओबीसी कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक इज 81,231 एंड मार्क्स वाज 596 एंड जो आपको कॉलेज मिला वो आपको नागालैंड के अंदर मिला है। फॉर एससी कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक इज 2,07,420 एंड मार्क्स इज 498 एंड जो आपको कॉलेज मिला वो आपका वही एजोल मिजोरम के अंदर मिला है। फॉर एसटी कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक इज 2,61,342 एंड मार्क्स इज 463 एंड जो आपको कॉलेज मिला वो आपका वही मिजोरम के अंदर मिला है, बिकॉज लास्ट कॉलेज आपका वही है। सो जो भी स्टूडेंट जिनको भी कॉलेज मिला है अलॉट हुआ है उनको आगे क्या करना है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी थिंग यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी और माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, एंड दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।